वेलकम टू योर चैनल आर्यभट्ट मैथ क्लासेस 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, है ना। तो आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, चतुर्भुजें क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, तो चलते हैं जल्द से जल्द इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना, चूँकि समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन क्या है ना। कोई भी ऐसा फिगर या फिर चित्र जिसका चार भुजा हो और चार साइड हो, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं कोई भी फिगर, है ना, ए फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड ऑल्सो फोर एंगल्स, है ना। इट मीन्स ए फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, मतलब कोई भी चित्र जो है ना, उसके पास चार भुजा और चार एंगल्स माने कोण होना जरूरी है, तभी वह चतुर्भुज कहलाएगा, अन्यथा नहीं, है ना। तो ए फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, है ना। वह क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, है ना। अच्छा देख लेते हैं दिख रहा कि नहीं, चलिए मेहनत बेकार नहीं जाए, है ना, है ना, तार गिरेगा नहीं ना। चलिए और क्या है सर बताइए, और कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसका जो एंगल होगा, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल मान लिए कोई भी, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अच्छा इसको हम अच्छा से बनाते हैं, टाइम तो है ये है। जैसे हम बोलें कि अगर कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना दिए, है ना, ए बी सी डी, है ना, तो ये तो चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि चार भुजा है, क्या क्या, ए डी एक भुजा, है ना, डी सी एक भुजा, बी सी एक भुजा, है ना, तो आपका जो है ना, इसे मतलब दो भुजा बराबर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम चार भुजा बराबर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। स्क्वायर भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि इसमें चार भुजा और चार एंगल्स होते हैं। चलिए आइए इसको जो है मिटाते हैं, स्क्वायर नहीं रखते हैं, है ना, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। फिर से बनाते हैं फिगर, दो बार मिट चुका है, अब नहीं मिटाएंगे, ए बी सी डी, है ना। तो आपका एंगल जो होता है, चारों एंगल का मान, है ना, कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। कौन एंगल हो रहा, बात इंटरनल एंगल बात हो रहा, कौन एंगल, इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर वाला आंतरिक कोण, क्या होता है, आंतरिक कोण। टेंशन नहीं लीजिए, आपको जब पॉलीगॉन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़, है ना। पॉलीगॉन्स में आज क्वाड्रिलेटरल पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, है ना। पॉलीगॉन्स जो है उसमें जो है सभी आ जाता है, पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज, है ना, तो उसमें आप कोई दिक्कत नहीं, सब करा देंगे, है ना। एरिया क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी डी इज ए डायगोनल, बी डी क्या है, एक डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण है, है ना, जिसको क्या बोलेंगे, विकर्ण, है ना। क्या होगा, क्या होगा, इनटू बी डी मतलब विकर्ण, है ना, और इस विकर्ण पर डाला गया कोई लंब, है ना, जैसे हो गया ए बी सी डी हो गया, इसको ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, तो डाला गया लंब का योग, तो ए ई प्लस सी एफ, है ना, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल का क्या, एरिया। तो मेरा क्वेश्चन जो मतलब समझा रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है आपको समझ में आए, है ना, चूँकि सीखना है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, 1/2 इंटू डायगोनल उसका एक, और उसका डायगोनल में मतलब विकर्ण में डाला गया क्या, लंब, लंब को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे लंब को, कोई बोले, परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर,
है ना, मतलब हो जाता है क्या, लंब, जो सीधा रहता है ना, सीधा 90 डिग्री का हमेशा, तो 90 डिग्री का डलाएगा। ठीक, तो चलिए इतना तक आपको रामायण समझ में आया होगा, है ना। तो आगे चलते हैं आपको, है ना, और क्वाड्रिलेटरल का प्रकार जो है आपको बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का होता है, और उसका जो है चारों कोण का जो मान है वो 360 क्यों होता है ना। तो मिटाते हैं इसको। जैसे आ जाइए टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्री लेटरल मतलब चतुर्भुज के प्रकार। अच्छा उधर लिखते हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको शायद, दिख रहा होगा है ना आपको शायद, दिख रहा कि नहीं एक बार देख लीजिएगा, चतुर्भुज के प्रकार। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार, दिख रहा कि नहीं आपको। हाँ दिख रहा है ना, तुमने तो मेहनत पूरा जो है बेकार चल जाएगा मेरा, मेरा नहीं है ना, आप ही लोग का मेहनत है। चलिए, है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या प्रकार का होता है, पहला जो है हम लोग चलेंगे किसके बारे में, सबसे पहला हम लोग किसके बारे में चलेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में चलेंगे। किसके बारे में चलेंगे, पैरेललोग्राम, थोड़ा लंबा है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद नहीं है इसमें भी लिखा हुआ, इंग्लिश में है। तो पैरेललोग्राम मतलब हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। तो चलिए आइए, समांतर चतुर्भुज किस टाइप का होगा आपका, समांतर चतुर्भुज इस टाइप से होगा, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरा तरफ से। ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो भुजा रहता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है ना, और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, है ना। थोड़ा सा समझने का आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए आइए, है ना, पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार देख लेते हैं, चूंकि वीडियो बनाते वक्त गलती ना हो, है ना। चलिए, पहला जो है इसका क्या है, पहला इसमें है ना, एक एक चीज़ बताएंगे। आमने सामने के भुजा बराबर होता है, मतलब ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स मतलब अपोजिट एंगल्स एंड साइड, है ना। अच्छा अपोजिट एंगल्स, अच्छा एक एक करके चलते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब हो गया क्या, जैसे एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी, है ना, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी। ठीक, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कैसे लिख रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं, दूसरा, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, थोड़ा इसमें ज़्यादा बताना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। जैसे AD बराबर होगा आपका BC के, आप कर सकते हैं, है ना, AD बराबर होगा BC के, और AB बराबर होगा CD के। ठीक, देख लेते हैं आपको दिख रहा कि नहीं, है ना। चलिए, आपको रामायण समझ में आ रहा होगा, है ना, साइड हो गया, एंगल्स हो गया, और एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसको भी बता दे क्या। एक होता है सप्लीमेंट्री, जब दो कोण का योग जो है ना 180 होता है, तो हो जाता है सप्लीमेंट्री। ठीक, हम लिख दे रहे हैं सप्लीमेंट्री,
ठीक, मतलब संपूरक कोण है ना, इसको बोलते हैं क्या, संपूरक कोण। उसी तरह होता है जब दो एंगल का मान जो है 90 डिग्री होता है, वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण, हिंदी में बोलेंगे। ठीक, समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए, देख लेते हैं दिखता है कि नहीं, है ना, एक एक चीज़ दिखना चाहिए। आगे चलते हैं, तीसरा चौथा हो गया कि आपका जो है, अगर इसमें हम डाल दें इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर हम लिखते हैं थोड़ा सा समझ में आपको आएगा, कि ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल्स है। अभी बताए हैं डायगोनल्स मतलब विकर्ण है। ठीक, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट्स इच अदर, माने एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ डी बराबर होगा किसके, ओ बी के। तो यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए, जैसे ओ ए बराबर होगा आपका किसके, है ना, ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ ए ओ सी और ओ डी, ओ बी और ओ डी, ओ बी बराबर होगा ओ डी के, है ना, ओ बी बराबर होगा ओ डी के। तो आप देख सकते हैं, है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते, हाँ बराबर नहीं होता है ना, अगर आपको कर दे क्या कि, अच्छा इसको जस का तस रखते हैं, कि आपको कह दे क्या कि ए सी बराबर होगा बी डी के, तो नहीं होता है ना, नहीं होता है। आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखें। और क्या है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इतना ही दिया है इसमें, है ना, और आगे चलते हैं, चौथा हो गया। और क्या है, और कुछ है क्या, बाइसेक्टर चदर दिया है, बाइसेक्टर, है ना, ये भी ठीक है, इतना हो गया, है ना, सप्लीमेंट्री होता है ए और डी। अच्छा ये एंगल भी बता दें, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, एंगल ए एंड एंगल डी क्या है, एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं, एडजे, गलती लिखा रहा क्या, एडजेसेंट एंगल्स, है ना, मतलब आसन कोण जिसको बोल सकते हैं ना, आसन कोण। ठीक, अच्छा हिंदी नहीं लिखते हैं, एडजेसेंट एंगल लिखते हैं, है ना, कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं होना चाहिए, आप इतना रामायण समझ रहे होंगे, एक बार हट जाते हैं, है ना। अब आ जाइए इसका एरिया और पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सर एरिया थोड़ा बता दीजिए। एरिया एक्चुअल में होता क्या है, एरिया मतलब कि इसका अंदर जो खाली खाली जगह दिख रहा है ना, इसमें आपको धान रोपना है ना, तो धान जितना हम रोपेंगे वो हो जाएगा एरिया, और जो आप बाउंड्री लगाए हैं चारों तरफ ए डी, है ना, ये वाला बाउंड्री हो जाएगा आपका पैरामीटर। डेफिनेशन बता चुके हैं ना, तो बता नहीं चुके हैं, अगला वीडियो में बताएं, लेकिन आपको यहाँ बता रहे हैं, चलिए आगे की ओर चलते हैं। एरिया क्या हो जाएगा सर, अच्छा इसको मिटा के बताएं क्या, हैं, अच्छा इसी में बता देते हैं, एरिया क्या होगा सर थोड़ा बताइए, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे याद रखते हैं, 1/2 ये हो जाएगा हाइट, तो हो जाएगा ये बेस, ये हो गया बेस सी डी, है ना, तो बेस इंटू ये हो जाएगा हाइट। ठीक, तो बेस इंटू हाइट इसका हो जाता है क्या, एरिया हो जाता है। पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर आपको निकालने का उतना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, खाली भुजा का जो साइड है उसको जोड़ देना है, पैरामीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा लिख देते हैं पैरामीटर, पैरामीटर है
है ना? अच्छा, पैरामीटर ऑफ है पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा? साइड का योग है ना, जैसे ए डी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी है ना, ऐसे आप समझ जाएंगे। और ऐसे ए बी, खाली साइड्स को क्या करना है, जोड़ देना है ना। और एक आपको यूनिक फॉर्मूला बताते हैं, आ जाइए, ये पांचवा हो गया, और छठा आ जाइए, है ना, पांच और छः हो गया, सातवा आ जाइए। सातवा में आपको यूनिक फॉर्मूला बता रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, थोड़ा सा है ना, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, का घुस गया भाई, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आ जाइए। डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर है ना, क्या है भाई, देखते हैं, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या है, एक यूनिक फॉर्मूला है, आप इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, है ना। क्या होता क्या है, डी वन माने पहला डायगोनल का स्क्वायर, मतलब बी डी या ए सी जो भी है ना, प्लस डी टू का स्क्वायर होता क्या है, टू ए स्क्वायर। ए किसको बोलेंगे, ए ए माने साइड है ना, ये दोनों साइड एक ही है, तो इसको ए मान सकते हैं है ना, और इसको बी मान सकते हैं, तो ये साइड हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह ई हो जाएगा आपका क्या, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, पैरामीटर को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है। अरे बाप रे, शायद नहीं हो पाएगा पूरा है ना, लेकिन लंबा वीडियो बने तो इसको दो भाग में हम बांट देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, समझाने में चल जा रहा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर को, इसको याद रखिएगा, यूनिक फॉर्मूला है जिसे आप साइड निकाल सकते हैं है ना, अगर डायगोनल दिया रहे तो है ना, दो डायगोनल दिया रहेगा और एक साइड आपको दिया रहेगा, तो दूसरा साइड हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। इसका और क्या हो जाएगा, पैरामीटर टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर भी हो जाएगा है ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा रामायण है ना, तो ये हो जाएगा आपका पहला, और आपको दूसरा भी चलते हैं। दूसरा आपका जो है वो क्या है, आ जाइए रेक्टेंगल की ओर, आ जाइए है ना, आपको रेक्टेंगल की ओर चलते हैं, चलिए दिख रहा है ना, तो चलते हैं आगे की ओर, आपको समझ में आ रहा होगा रामायण है ना, इसको यहाँ लगा लेते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से है ना, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अपना सेकंड क्वाड्रिलेटरल की ओर चलेंगे है ना, चलिए इसको मिटाते हैं पहले है ना, आ जाइए। इसको भी मिटा देता हूँ, तो चलते हैं दूसरा, इसको थोड़ा ऊपर से लिख कर देता हूँ है ना, थोड़ा जगह रहना चाहिए ताकि लिखू तो रहे। चलिए दूसरा जो है आपका रेक्टेंगल में आ जाइए, दूसरा आपका क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप लोग समझ रहे होंगे है ना, मतलब आयत, आ जाइए, आयत है क्या सर, आयत का क्या है कहानी है ना, क्वाड्रिलेटरल आप देख सकते हैं पूरा, तो आयत होता क्या है, आयत एक ऐसा फिगर होता है, देख लीजिए इसका विशेषता क्या है, आ जाइए पहले समझेंगे। है ना, आ जाइए, होता क्या है, एक चीज जानते हैं, आ जाइए पहला है ना, क्या क्या कहानी है इसमें, प्रत्येक एंगल जो है, ईच एंगल, प्रत्येक एंगल है ना 90 डिग्री का है, ठीक, या 90 डिग्री का होता है, दूसरा 90 डिग्री का होता है एंड आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना, मतलब
आमने सामने का है ना, आमने सामने, आमने सामने का जो भुजा होगा क्या बराबर होगा, तो आमने सामने है ना। तीसरा उसी तरह अपोजिट एंगल्स भी होंगे बराबर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देख सकते हैं अपोजिट एंगल 90 90 है ना। और इसमें हो गया ना एंड एडजेसेंट साइड्स है ना, मतलब एडजेसेंट साइड मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी है ना, एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट साइड्स नहीं एंगल्स आ जाएगा है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री अभी बता चुके हैं है ना, मतलब दो एंगल को जोड़ते हैं है ना, जब दो एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए है ना, तो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, तो आपको समझ रामायण समझ में आ रहा होगा। पांचवा में चलते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स कौन कौन है, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के है ना, क्यों होता है प्रूफ करके बताएंगे है ना, अगर समय रहा तो देख लेते हैं दिखता है कि नहीं। चलिए रामायण दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए, तो दिखेगा नहीं तो समस्या है। आ जाइए पाँच के बाद सिक्स, और कुछ बचा क्या इसमें, देख लेते हैं इसमें भी, ये हो गया ऑपोजिट साइड्स हो गया है ना, एंगल्स हो गया, अच्छा लिखना है ना ऑपोजिट साइड्स, तो ऑपोजिट साइड्स में जैसे ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी सी के, और ए बी बराबर हो जाएगा आपका सी डी के है ना, और एंगल्स का बात हुआ इसी है ना, देखने रहा वैसे एंगल्स का बात हुआ, तो जैसे एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं है ना, और कुछ है कि बस शायद इतना ही है, और आ जाइए डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, माने एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भाग में बांटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर है ना, ईच अदर मतलब ई बराबर होगा इसके, ई बराबर होगा इसके है ना, माने ए सी और बी डी अपने आप को दो बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब बी डी भी बढ़ जाएगा दो बराबर भाग में, ए सी भी बढ़ जाएगा दो बराबर भाग में है ना, और ए सी बी डी भी बराबर है ही है ना, तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बराबर हो जाएगा आपका ओ सी के, और ओ बी बराबर हो जाएगा आपका ओ डी के है ना, तो रामायण आपको शायद समझ में आ रहा होगा है ना, मेरा कहने पर आप दोबारा देखिएगा है ना, 100% 100 नहीं लेकिन 90 से ज़्यादा परसेंट चांस है कि आपको समझ में आएगा है ना, दोबारा एक बार देखिएगा। आइए सेवन, सेवन में जो है और कुछ है क्या भाई इसमें, देख लेते हैं एक बार। चलिए आइए अब जो जो है होता है, आ जाइए एरिया में, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है एल इंटू बी, माने ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ है ना, माने लंबाई गुनी चौड़ाई है ना, क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, उसी तरह पैरामीटर भी बता दीजिए फटाफट, पैरामीटर क्या हो जाएगा दो गो बी दो गो एल है ना, पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा टू ए प्लस बी, माने दो गो ए और दो गो बी, देखिए ना पैरामीटर मैंने बाउंड्री है ना, इतना आप लोग शायद जानते होंगे। और आते हैं एट में, एट हो गया नाइन में आते हैं, डायगोनल भी बता दीजिए क्या होगा है ना, देख लेते हैं डायगोनल दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है डायगोनल है ना, तो डायगोनल में चलते हैं, डायगोनल कैसे निकालेंगे सर, हम बोले है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बोले डायगोनल जो है आपका क्या हो जाएगा, दिया है क्या एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर दिया है ना। अच्छा आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एल है और अगर बी है तो इसको हमको फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग चलिए अभी पहले लगा लेते हैं, कहाँ आएगा हमको भी नहीं पता है ना। वहाँ फली लिखा ले मेरा में, आ जाइए। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो उसको एक एच ए मान लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एच निकलेगा आपका क्या, रूट में आ जाएगा, नहीं बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एच आपका निकल जाएगा क्या, एल आपका निकल जाएगा, यही आ जाएगा। तो रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। ठीक, डायगोनल माने विकर्ण है ना। तो आपको रामायण समझ में आ रहा होगा है ना। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ लेकिन क्या करूँ है ना, ज़्यादा कस के बोल भी नहीं सकते हैं है ना। क्यों, क्यों भूख लग रहा है ना। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, या फिर कर दे क्या रूम बस। अच्छा देख लेते हैं टाइम क्या हो गया। अच्छा कर लेते हैं रूम बस भी कर लेते हैं है ना। दो वीडियो जो है कर दूंगा इसका है ना। तो रूम बस कर लेते हैं, चूंकि देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है ना। एंड अरे काला काहे हो जा रहा है, और हम आपको तीन पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लीजिए एक बार बढ़िया से है ना, दिख रहा है आपको। चलिए मिटा देते हैं, दो हो गया। तीसरा ये आपको स्क्वायर तो थोड़ा इजी है, रोम्बस बता देते हैं। आ जाइए रोम्बस में, आ जाइए हमारा रोम्बस का कहानी क्या है भाई। रोम्बस, रोम्बस कैसा रहता है, स्क्वायर टाइप का ही रहता है, लिख का ही नहीं रहा। ख़त्म हो गया क्या, ख़त्म हो गया क्या, देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है ना। तो आ जाइए हम लोग तीसरा में आते हैं है ना। तीसरा में क्या है हमारा, रोम्बस क्या है, रोम्बस। अरे चल का ही नहीं रहा भाई, चलो है ना। तीसरा में क्या है हमारा, रोम्बस। रोम्बस मतलब, रोम्बस मतलब हो गया सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज इस टाइप का होता है। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको डेमो में है ना। स्क्वायर के ही तरह होता है, लेकिन स्क्वायर में होता क्या है कि सब एंगल्स जो है 90 डिग्री का होता है। इसमें जो है सब एंगल नहीं होता है, मतलब सब साइड बराबर होता है इसमें। ठीक, डायगोनल का कहानी है ये है, डायगोनल भी डाल देते हैं है ना। आ जाइए, विशेषता क्या है पहला है ना, थोड़ा सा देख के लिखते हैं ताकि कहीं गलती ना हो भाई है ना। एक एक चीज़ आ जाइए, हम ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ है ना। ऑपोजिट सिंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने का जो भुजा है ना वो क्या है, बराबर होता है। ठीक, तो चलते हैं पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं है ना। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, जैसे ए बी बराबर होगा बी सी के है ना, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा ए डी के है ना। सब भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं है ना, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। तो आप यहाँ हम लिख सकते हैं है ना, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो डायगोनल आपका जो है क्या, ए सी बराबर बी डी है ना, नहीं होते हैं। ठीक, नहीं होते हैं। ठीक, बट एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, मतलब डाइगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। जैसे हुए बराबर
ओसी है ना, और ओबी बराबर ओडी, और 90 डिग्री पर सम द्विभाजित करेंगे कितना में, 90 डिग्री है ना। बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री है ना, इसी में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलते हैं, और क्या है इसका कहानी है ना। साइड्स आर इक्वल, भुजाएं पैरेलल होती हैं है ना, साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब समझ रहे हैं समांतर है ना, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा रामायण ना, साइड्स आर पैरेलल है ना, साइड्स आर पैरेलल, भुजाएं जो है क्या होती हैं। हो गया इतना, और अब चलते हैं इसका कहानी की ओर है ना। एरिया बताइए पहले, एरिया ऑफ ए रोम्बस, चलिए एरिया बोलिए है ना। 9 के एग्जाम में आया था, अबर 2020 का जो हुआ है ना, 21-22 का उसमें आया था। आ जाइए क्या होगा, 1/2 है ना इंटू d1 इंटू d2, एकदम इजी था क्वेश्चन है ना। हमारा स्कूल का तो बच्चा लोग पता नहीं बनाया है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलेंगे है ना, लेकिन उन लोग बोला है बनाए हैं है ना, बनाए क्या है, टिक मारने वाला था। चलते हैं, 6 पैरामीटर, उसी तरह आप बता सकते हैं पैरामीटर का हो जाएगा, पैरामीटर बताइए, पैरामीटर और फिर रोम्बस है ना, क्या हो जाएगा, 4a माने 4 इंटू a, a क्या है साइड से, a इज इक्वल टू आपका साइड है ठीक। और एक यूनिक फॉर्मूला आपको थोड़ा बता रखते हैं है ना, यूनिक फॉर्मूला जो है आपका उसी तरह d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू हो जाता है क्या, फोर ना, इसमें टू नहीं होगा, 4a² हो जाता है ना। तो चलते हैं आज देख लेते हैं टाइम, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं नहीं तो फिर समस्या होगा है ना। तो इतना ही चलते हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ आता था 2a² प्लस b², लेकिन इसमें जो है साइड्स बराबर होता है इसलिए आ गया 4a² ठीक। आपको शायद रामायण समझ में आया होगा है ना, तो उसमें साइड जो है अलग अलग रहता है ना, a² प्लस b², लेकिन इसमें तो एक ही रहता है a², नहीं समझ आए, रामायण बता देते हैं, 2 रहता था ना a², वहाँ b, b की जगह यहाँ e है, तो a² क्या हो जाएगा, 2a² इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4a² देख लेते हैं दिखता है कि नहीं, चलिए दिख रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने का कोशिश करें है ना थोड़ा, और चलिए इतना ही बोलते हैं है ना, आप सबको नमस्कार, जय हिंद।